इस तरह से आप लोग मशरूम का एक बढ़िया ग्रेवी बना के आप लोग खा सकते हो मशरूम। तो मेरा जो रेसिपी है वो आप लोग देखने के लिए वीडियो पे अंत तक आप लोग बने रहिए, मैं कैसे बनाता हूँ मशरूम का ग्रेवी। ठीक है, अभी पहले ये जो मशरूम है हम लोग, ये देखो ताज़ा मशरूम है, इसको हम लोग धो के रेडी करेंगे। साथ में मैंने थोड़ा सा आलू लिया है, ज़्यादा नहीं। इसको हम लोग पहले इसका बॉईल करेंगे, इसको मतलब कि हम लोग पानी में बॉईल करेंगे, पहले धो लेंगे इसको अच्छे से। थोड़ा सा धोना है इसको, इसका जो चिपचिपापन है उसको निकाल देना है। खाने का टाइम थोड़ा वो क्या बोलते हैं वो तीखापन आता है उसको हटाना है, इसलिए पहले हम लोग को अच्छे से धोना है। इस तरह से धो के आप लोग को पानी को निचोड़ देना है अच्छे से। इस तरह से निकाल लीजिए आप लोग, जिस तरह से मैं निकाल रहा हूँ उस तरह से। अभी हम लोग, मैंने आलू को ऑलरेडी धो के रखा था, वो बाद में हम लोग धोना नहीं पड़ेगा। पहले हम लोग एक कंटेनर लेंगे, कंटेनर के में अंदर ये थोड़ा सा पानी लिया है मैंने, इसमें हम लोग मशरूम और आलू को हम लोग थोड़ा सा बॉयल करेंगे थोड़ा टाइम के लिए। बॉयल होने के बाद हम लोग उसका जो रेसिपी का प्रोसेस है वो दिखाते जाऊंगा मैं, आप लोग देखते रहिए। ये देखो बॉयल, हम लोग उस तरह बॉयल हो चुका है, मैंने थोड़ा सी शॉर्टली बनाया है। अभी इसमें हम लोग थोड़ा सा अदरक डाल देते हैं। अदरक इसलिए डाल रहा हूँ थोड़ा सा वो खुशबू जो हो बढ़िया आ जाए, और थोड़ा सा चिली जो है, चिली ग्रीन चिली वो काट के डाला है मैंने, वो स्वाद के लिए, स्वाद अनुसार डाला है मैंने। आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हो वो। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, जो मशरूम है वो जो बॉयल करके रखा है वो डाल देंगे इसमें। थोड़ा सा उसको फ्राई करेंगे हम लोग मशरूम को, थोड़ा टाइम के लिए फ्राई कर देंगे। उसके बाद हाँ, आलू जो है मैंने उसका एक पेस्ट रेडी किया है, वो भी आप लोग को दिखाऊंगा। पहले मशरूम को थोड़ा सा हम लोग फ्राई कर लेते हैं। इस तरह से मशरूम को हम लोग थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ये देखो थोड़ा सा फ्राई हो चुका है हम लोग का मशरूम, ज़्यादा फ्राई नहीं करना पड़ता है। थोड़ा सा फ्राई करने से क्या होगा कि खाने का जो स्वाद है वो बढ़िया हो जाता है, इसलिए अभी हम लोग इसमें थोड़ा सा चिली पाउडर देंगे, ग्रीन चिली, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर यूज़ करेंगे, और थोड़ा सा जीरा पाउडर यूज़ करेंगे। हम लोग पहले मसाला को अच्छे से मिलाएंगे, जो मशरूम है उसके अंदर अच्छे से मिला देना है आप लोग को पहले। बाद में हम लोग आलू जो है उसका थोड़ा सा ऐड करेंगे इसमें, आलू का जो ग्रेवी बनाया है मैंने वो ऐड कर देंगे। ये देखो आलू का ग्रेवी रेडी किया है, उसमें डाल देते हैं हम लोग। ये देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे से मिलाना है आप लोग को, बढ़िया तरीके से मिलाना है, तब जाके इसका स्वाद जो है वो बढ़िया निकलेगा। आप लोग इस तरह से करके अच्छे से घर पे कोई भी खा सकते हो, बहुत ही बढ़िया बनता है। ये देखो ऑलमोस्ट बन चुका है, अभी हम लोग थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे इसमें स्वाद के लिए, स्वाद अनुसार। इसके बाद हम लोग नमक को भी अच्छे से मिलाना है, इस तरह से मिलाइए आप लोग, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ उस तरह से भी कर सकते हो, अपने हिसाब से करिए कोई बात नहीं। इस तरह से मिला के आप लोग इसका जो मशरूम का ग्रेवी है वो तैयार हो जाएगा थोड़ी देर बाद। इसके लिए हम लोग थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं इसको। ये देखो ऑलमोस्ट हम लोग को मशरूम का जो ग्रेवी बनाया है वो रेडी हो चुका है। इसको ग्रेवी भी बोल सकते हो, करी भी बोल सकते हो, कोई बात नहीं। ये देखो आप लोग के सामने तैयार है मशरूम का ग्रेवी। इस रेसिपी को अच्छा लगा तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। और भाई का वीडियो पे आप लोग तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।